और ये इस घर की पीछे की साइड है, पीछे की साइड जो पानी आया है सैलाब का और बारिशों का ये गिर गई है, और जवान बच्चियां इस घर के अंदर हैं। ये एक दरवाजा जो है, दरवाजा ये पीछे की साइड थी, ये देखें, ये इनकी इसके अंदर इनकी फैमिली रहती है। हल टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। रहमान रहीम शुरू, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। आप पहले इस तरफ मारें, बैक करें, ये देखें बिल्कुल रोड है और रोड के बिल्कुल पास ये घर है। ये घर है इस माँ का, इस बहन का, और ये इस घर की पीछे की साइड है, पीछे की साइड जो पानी आया है सैलाब का और बारिशों का ये गिर गई है, और जवान बच्चियाँ इस घर के अंदर हैं। आप चले अंदर देखें, ये लोगों का यही एक फकत यही आसरा था रहने का। आप ये देखें, अंदर आ जाएं, अंदर आ जाएं, ये दिखाएं कि एक दरवाजा जो है, दरवाजा ये पीछे की साइड थी, ये देखें, ये इनकी इसके अंदर इनकी फैमिली रहती है। बाकी सिस्टर बैठी हुई हैं, इनके बच्चे भी बैठे हुए हैं, जो भी इनकी कहानी है इन्हीं की मुंह जुबानी इनके मुंह से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सिस्टर आपका? इरशाद बीबी। इरशाद बीबी कितने बच्चे हैं? मेरे आठ हैं, दो परन्या हुए हैं, बेटा जी भाई मेरे को हैं। मतलब छह बच्चे आपके पास हैं? जी अवेलेबल जी। दो की शादी हो चुकी है जी। ये आपका मकान है पीछे? जी आपका है, बारिश नाल ढह गए। पीछे की साइड तो सारी गिर गई है, जबकि घर की जोड़ी छोड़ी त्रुट गई है जी। बस दो मेरे बेटे हैं नौजवान जी, इन्हें तो फर्ज अदा करने में जी। भाई मेरे पोत्र काम ते गया, मजदूरी करा दे। शोहर क्या करते हैं आपके? ओ बस ये वदरांदे नशा मशा करेंदे, आवारा वदरांदे शाम को बल्लांदे। शोर आपके नशा करते हैं? जी तो ये आपका मकान गिर गया, फिर आप कैसे गुजारा चलाएंगे, किस तरह सोएंगे इसके अंदर? बस आन बानिया देर दे घर जी, बच्चे हैं नीडे लुका बानिया, देवर के खोले में आपने बच्चों को छुपाया हुआ, ये पीछे से गिर गया जी। गिर गया तो बस उन गुंजाइश का नहीं दी जी, छतवा में एक बड़वा में छोटे छोटे कटे करके जी। बस मैं आप गरीब बाहर हो बेनिया, रोटी रोजी पानी बाले ना करानिया। आप लोगों के यहाँ बर्तन भांडे वगैरह? जी है, जी है। तो जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देती हैं, वो क्या मदद करें आपकी? बस क्या मदद करें, आप खुद बताएं, इत्मीनान से बताएं। जरा कोई थी सके अल्लाह देना थे देसन में कहूँ कोठा बढ़वा देवन मेरे धीरे है मकान। जी आए धीरे मैं बैठी ने फर्ज अदा करने को जो फर्ज इन दे सके देवन। अरे कोलो काय नहीं ए गुंजाइश मैं बनावा, मैं अपने बच्चों का फर्ज अदा करा, मैं क्या करा, मेरे हाथ कशा काय नहीं। शोर आपका कोई कारोबार? कारोबार काय नहीं करें, बस इवे बदा रहा लोफर फिरते शाम को वाला दे। मैं आप इंटरव्यू में पहले जब माइक बंद था आपने बताया कि घर के बर्तन उन्होंने बेच दिए। जी वेच सोजन से कशा काय नहीं, लोगों को लोग गहना नहीं तो खानी पके नहीं, क्या करा मेरे घर जो कोई दारा काय ना। मैं आप रोजी पानी कर रही हूँ बारो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सिस्टर आप? ठीक। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा आप लोग, आपके अब्बू नशा करते हैं? जी हाँ। और ये मकान आपका गिर गया है? जी हाँ। आप लोग स्कूल कुरान पढ़े हुए हो? कुरान खुदारा नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, ठीक है बेटा? आप जब अल्लाह का नाम लेंगे ना विर्द से, जी कुरान पढ़ा है आपके लिए अल्लाह ताला के लिए ऐसी आसानियां पैदा होंगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो जो आपको देख रही है आप उन्हें क्या पैगाम देती है? वो हमें मकान बनवा दे जी, जो कर सकते हैं वो हमें दे, उनके पास जो चीज भी है। आपने सुना इन बच्चों के मुंह से, खुदा के लिए इनकी बच्चियों को देख रहे हैं, जवान बच्ची हैं, माँ बूढ़ी है, उन्हें फर्ज डालने, और पीछे के हालात आपने खुद देखे हैं, पीछे की तरफ देखें। अब ये इस तरफ दरवाजा खोले तो पीछे तो आप खुद देखें रोड है, रोड के ऊपर आप खुद देख लें नौजवान बच्चियां और देवर के पास ये इस खोले में रखी हुई है साथ वाले में। अब आगे खुद हिसाब करने वाले हैं आप, खुदारा ऐसे लोगों की हेल्प करें।
मस्जिदों में मैंने आपको पहले कहा सीमेंट की बोरी उस वक्त तक दें जब देखें कोई हकदार नहीं है। ऐसे लोगों की मजबूरी समझें जिससे आपका सदका खराज या कोई चीज भी आपकी वो अल्लाह के नाम पे वो लगे, ऐसे हकदार लोगों पे लगे। बाकी वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप खुद फैसला करें अल्लाह ने के बाद।